फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम टिप्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें दिया है तो हमें क्या करना होगा, ये चलिए हम सीखते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर फाइंड द परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज याद करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें परसेंटेज दिया है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में कंडीशन आए ऑफ फ्रॉम देन, तब हमें उस संख्या को डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। चलिए तो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। अगर हमारे पास फेल स्टूडेंट है 30%, तो बताइए पास स्टूडेंट कितने होंगे, 70%, क्योंकि हम हमेशा परसेंटेज को 100 पर ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और मैंने आपसे जिक्र किया था ऑफ फ्रॉम एंड देन का, तो चलिए उससे रिलेटेड हम आपको बता देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 500, 600 का कितना परसेंटेज है, तो हमने देखा था कि जब क्वेश्चन में जिसके साथ हमारा का से होता है तो वो हमारा हमेशा कहाँ जाता है, बटे में जाता है। ओ फ्रॉम, ये मैंने आपको बताया था इंग्लिश में कि जो होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है, ठीक है। तो चलिए तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रतिशत निकालना है, हमें दिया हुआ नहीं है, हमें निकालना है, तो जाहिर सी बात है हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ठीक है तो करते हैं। तो अब इसके साथ का है तो ये हमारा जाता है बटे में, और 100 से हमें करनी है मल्टीप्लाई क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो सॉल्व करिए, 0 से 0 ये 40%। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ 5, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ ऑफ हो देन हो तो वो सीधा का सीधा हमारा कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में जाता है, मतलब जिसके साथ का आए से आए, ठीक है, तो वो हमारा कहाँ जाता है, बटे में जाता है। अब यहाँ पर क्या है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ 5, तो 5 चला गया नीचे, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से क्योंकि यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालना है ना कि परसेंटेज दिया है, ठीक है। तो इसलिए हमने किससे करी मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करी यहाँ पर, और 4 ऐसे एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। तो इसे हमने 5 से 20 टाइम्स काटा और इससे मल्टीप्लाई किया तो वी हैव 80%, ठीक है। ये साइन जरूर लगाना क्योंकि ये साइन ही आपको बताएगा आप चैप्टर परसेंटेज कर रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। लो, 240 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, 240 80 का कितना प्रतिशत है। सेम क्वेश्चन है लास्ट की तरह ही, लास्ट के जैसे ही हमें करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर ऑफ है तो ये डायरेक्ट जाता है डिनोमिनेटर में, और हाँ यहाँ पर भी हमें सेम काम करना है, परसेंटेज निकालनी है तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 240, 0 से 0 और ये यहाँ पे ये डायरेक्ट आ गया 300%, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं फिर हम। अब तक तो हमने बात करी कि ये इसका कितना परसेंट है,
करेंगे कि जैसे हमारे पास है ए दे दिया है हमें 4 और बी दे दिया हमें 5, तो क्वेश्चन होगा ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी क्वेश्चन मार्क. ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, ए बी का या ए बी से कितने परसेंट कम है. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं. जब हमें कम या ज्यादा पूछता है वो क्वेश्चन में, तो हमें काम करना होता है उसमें से जिससे वो पूछ रहा है उसमें से हमें घटाना होता है. जैसे यहाँ पे लेस देन बी पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमें बी में से ए को घटाना पड़ेगा, तो हमारा कितना आता है, 1 आता है. ठीक है, पर लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि देन ओ फ्रॉम जिसके साथ लगा रहता है, से का जिसके साथ होगा वो हमेशा हमारा डिनोमिनेटर में जाएगा, बटे में जाएगा. तो देखिए अब यहां से हमें क्या पता चला है कि कितना कम है, ए बी से कितना कम है. तो हमें पता है कि ए कम है, तो ए को हम यहाँ लिखेंगे. सेम काम करना है क्योंकि हमें यहाँ पर भी परसेंटेज ही निकालना है, तो इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि अब हम इसको यहाँ से काटेंगे 5 × 2 = 10 और ये = 20%. तो हमारा आंसर क्या आएगा, 20%. एक बार और देख लेते हैं. ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, ए बी से कितने परसेंट कम है, हमारा क्वेश्चन है ये. तो कम ये ज्यादा वाले क्वेश्चन में हमें हमेशा दोनों डिजिट्स को कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि वो किससे ज्यादा या कम पूछ रहा है. तो हम यहाँ से कम या ज्यादा उसको घटाकर निकालेंगे. फिर जिससे पूछ रहा है उसका सेम काम में करना है, बटे में ही रखना है, डिनोमिनेटर में ही रखना है. और जो काम करने के लिए कह रहा है, जैसे वो निकालने के लिए कह रहा है, तो वही सेम काम जो हमने स्टार्टिंग में, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो जब हमने इससे इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आता है, 20% आता है. चलिए तो ये भी हमारा टाइप हो गया है. तो चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का. यहाँ पर आपको सिर्फ 2-3 बातें ध्यान में रखनी है इस चैप्टर में, और ज्यादा कुछ नहीं है, आप इजीली समझ सक जाएंगे, आराम से हो जाएगा, डोंट वरी. चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास. ए और बी, हमारे पास यहाँ पे ए है 5 और बी है 8. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी. सॉल्यूशन, यहाँ पर ए 5 है और बी 8 है. ए इज व्हाट परसेंट लेस, या फिर चलिए इस बार मोटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मोटा कर लेते हैं. यहाँ पर हम कर लेते हैं कि मोर, या फिर यहाँ पर बी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ए कर लेते हैं और यहाँ पर बी कर लेते हैं. बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, लेस देन ए हो, मोर देन ए हो. चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं. फिर से हम क्या देखना होगा, हमें इन दोनों का डिफरेंस ही देखना पड़ेगा. डिफरेंस कितना है हमारे पास, 3. हमारे पास है डिफरेंस का, डिफरेंस 3 आया है हमारे पास यहाँ से. तो अब पूछ रहा है देन ए, तो देन फिर से हमारा कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर मतलब बटे में जाएगा. तो ए 5, फिर से हमें परसेंटेज निकालना ही है, और लेस देन या मोर देन, डिफरेंस कितना आया है हमारे पास, 3 आया है. तो इससे इसे काटेंगे 20, देन ये हमारा आया 60%. चलिए आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. तो
चलिए इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।